हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पे MPSI और MP कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर की लाइव सीरीज चलती है। फ्रेंड्स, तो दिन के वक्त हम SI पढ़ते हैं और रात के वक्त हम कांस्टेबल पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं SI का, हमने GS कंप्लीट कर लिया है। अब हम साइंस के टॉपिक पर हैं जिसका पार्ट 4 है आज। ठीक है, पार्ट 4 है आज। और बाकी भी और वीडियोस हमारे चैनल पर, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है फ्रेंड्स MPGK की टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहले वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम। तो फ्रेंड्स, मैंने आज 29 अक्टूबर की दोनों शिफ्ट ली हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑन हीटिंग अ सर्कुलर मेटेलिक डिस्क विद अ सर्कुलर होल एट द सेंटर, द डायमीटर ऑफ द होल विल। ठीक है, एक गोल धात्विक शक्ति को केंद्र में उपस्थित छेद से गर्म कर किया जाए, उस छेद का व्यास क्या होगा। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज, देन डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन द सेम। तो फ्रेंड्स, ब्रिजेश जी हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा इंक्रीज। ऑन अ हीटिंग अ सर्कुलर मेटेलिक डिस्क विद अ सर्कुलर होल एट द सेंटर, द डायमीटर ऑफ द होल विल इंक्रीज। ठीक है, जब सर्कुलर मेटेलिक डिस्क को उसके सर्कुलर होल सेंटर से मतलब हीट किया जाएगा, तो जो उसका डायमीटर होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, जो भी हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ड्रग दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन एंड डिके इज कॉल्ड। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। अ ड्रग दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन एंड डिके इज कॉल्ड, ऑप्शन है जर्मिसाइड, एंटी मलेरियल ड्रग, एंटीसेप्टिक, एनल्जेसिक। आशु जी ने बोला है 3 एंटीसेप्टिक। कुणाल जी ने भी बोला है एंटीसेप्टिक। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर है एंटीसेप्टिक। ठीक है, अ ड्रग दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन एंड डिके इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक। और जर्मिसाइड्स किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जी बिल्कुल, थैंक यू। चलिए जर्मिसाइड्स बता दीजिए मुझे। चलिए मैं बता देती हूँ आपको, जर्मिसाइड्स कहते हैं डिस्ट्रॉय हार्मफुल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जर्मिसाइड किस लिए यूज किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंटी मलेरियल ड्रग, ऑब्वियसली बात है, मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, उसको क्योर करने के लिए। और एनल्जेसिक क्या के लिए? रिड्यूसेस पेन। ठीक है, एज अ पेन किलर यूज किया जाता है ये। तो इन सारी टर्म्स का भी आपको पता होना चाहिए। जर्मिसाइड्स होता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एंटी मलेरिया मलेरिया को क्योर करने के लिए। ठीक है, और एनल्जेसिक पेन को रिड्यूस करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एसिड दैट कैन बी यूज एज अ हिप्नोटिक इज, निम्न में से कौन सा अमल निंद्रा कारक की तरह उपयोग किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन है टार्टरिक एसिड, बारब्यूट्रिक एसिड, ब्यूटोनिक एसिड और बेंजोइक एसिड। जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स मुझे इसका आंसर। द एसिड दैट कैन बी यूज्ड एज हिप्नोटिक। चलिए मैं बताती हूँ फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है बारब्यूट्रिक एसिड। ठीक है,
बारब्यूट्रिक एसिड को हिप्नोटिक की तरह यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, जिसको नहीं याद है वो याद रखिएगा, बारब्यूट्रिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टिश्यू डेट प्लेज अ लीडिंग रोल इन द एलोंगेशन ऑफ मैनी बोन्स। निम्न में से कौन अस्थियों के लंबे होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। ऑप्शन है फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू, एरोलर टिश्यू, स्पॉन्जी बोन, कार्टिलेज। जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स, द टिश्यू दैट प्लेस अ लीडिंग रोल इन द एलोंगेशन ऑफ मैनी बोन्स। कौन अस्थियों के लंबे होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपको नहीं पता, आप नो लिख के भेज सकते हैं। कुणाल जी ने बोला है 3 स्पॉन्जी बोन। चलिए फ्रेंड्स मैं बताती हूँ, उसका राइट आंसर है कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज इसका राइट आंसर है। कौन अस्थियों के लंबे होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कार्टिलेज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागेश सागर जी ने नागेश सागर जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर। जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड, जो भी हमारे चैनल पर नए आ रहे हो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब इसका आंसर बता दीजिए मुझे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। ऑप्शन ए इज ऑलवेज 100% 100 डिग्री सेल्सियस, डिपेंड्स ऑन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंटेनर, डिपेंड्स ऑन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नागेश जी ने बोला है 1 इज ऑलवेज 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए और कोई बताइए मुझे। कुणाल जी ने बोला है इज ऑलवेज 100 डिग्री सेल्सियस। जी बिल्कुल, सबको यही लगता है लेकिन ये आंसर नहीं होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है और जो सी लेवल पे होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फिक्स होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, वो डिपेंड्स करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो अब हम याद रखेंगे, हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, ये डिपेंड करता है किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इज द, जल्दी से बता दीजिए हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ऑप्शन है नन ऑफ दिस, वाटर पोर्शन ऑफ द बायोस्फीयर, वाटर कंटेनर ऑफ ऑर्गेनिज्म, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स हाइड्रोपोनिक्स। आपको नहीं पता है, आप नो लिख के भेज सकते हैं। कुणाल जी ने बोला है 4 लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स नन ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है हाइड्रोपोनिक्स की डेफिनेशन, कुछ नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल। ठीक है, आप याद कर लीजिए हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं, ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल। ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल, उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज लोकेटेड इन। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? उदय जी हेलो,
चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में कहाँ पर है? आपको नो नहीं पता, आप नो लिख के भेज सकते हैं। कुणाल जी, उदय जी और नागी जी का कहना है सेकंड लखनऊ। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर है लखनऊ। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ में है। हेमंत जी हेलो, इसका राइट आंसर है लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड इज, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए मुझे इसका आंसर। जी कमलेश जी, उसका आंसर लखनऊ। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड इज, आशु जी ने बोला है 3 ऑक्सीजन। चलिए और बताइए। जी बिल्कुल, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये, इसका राइट आंसर ऑक्सीजन। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम एयर का कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर है फ्रेंड। ऑक्सीजन अपन एयर से लेते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लैनेट्स आर, ग्रह होते हैं। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। प्लैनेट्स आर, है ना, इनमें से किसको प्लैनेट्स कहते हैं? तो ऑप्शन है ल्यूमिनियस बॉडीज दैट ट्विंकल, चमकदार पिंड तथा टिमटिमाते भी हैं। दूसरा है चमकदार पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, अचमकदार पिंड जो टिमटिमाते हैं, अचमकदार पिंड जो टिमटिमाते भी नहीं हैं। आशु जी ने बोला है फर्स्ट। अच्छा, प्लैनेट्स आपने वन बोला है, चमकदार पिंड तथा टिमटिमाते भी हैं। प्लैनेट्स टिमटिमाते हैं, कुणाल जी ने बोला है 3, नॉन ल्यूमिनियस बॉडी दैट ट्विंकल। फ्रेंड्स, स्टार ट्विंकल करते हैं, ठीक है, स्टार्स टमटमाते हैं, प्लैनेट्स नहीं टमटमाते हैं और ना ही वो चमकदार होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? अचमकदार पिंड जो टिमटिमाते भी नहीं हैं। जी बिल्कुल नागेश जी, फोर्थ इसका राइट आंसर है, नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स नहीं ट्विंकल नहीं करते हैं, ठीक है, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। याद कर लीजिए आप लोग, ना तो वो चमकदार होते हैं ना ही वो टिमटिमाते हैं, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बिल्कुल कमलेश नायक जी, 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट आया है, पहले पेपर में भी हम पढ़ चुके हैं। द फंडामेंटल रोल ऑफ रूट हेयर्स इन प्लांट्स इज, जल्दी से बता दीजिए रूट हेयर्स का फंडामेंटल रोल क्या है? मूल रो का मुख्य कार्य पादप में क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स मुझे इसका राइट आंसर। फंडामेंट ऑफ द सॉइल। चलिए और कोई, चलिए बिल्कुल राइट आंसर है आशु जी, बिल्कुल सही बताए आपने। टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल सॉइल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, ये रूट हेयर का फंडामेंटल रोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म टैक्सोनॉमी वॉज गिवन बाय, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी थी? आपको पता है तो ठीक, नहीं तो आप नो लिख के भेज सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि मैं जल्दी से आपको आंसर बता दूं। किसके द्वारा टैक्सोनॉमी का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है रेंडेल, थियोफेट्स, बेंथम और हुकर और एपीडी कोंडेले। उदय जी ने बोला है सी, कुणाल जी ने भी बोला है 3। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ इसका राइट आंसर फ्रेंड। इसका राइट आंसर है एपीडी कोंडेले, ठीक है, एपीडी कोंडेले ने टैक्सोनॉमी टर्म दी थी। क्या होता है इस टर्म का मतलब? द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है,
जो भी साइंटिफिक प्रोसेस हैं उनको ग्रुप में अरेंज करना, उस थिंग को ग्रुप में अरेंज करना, ये टैक्सोनॉमी कहलाती है। ठीक है जी, बिल्कुल नागेश जी, डी इसका राइट आंसर। तो याद रखिएगा एपीडे कंडोले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन सिस्टम विटामिन कैन नॉट, ठीक है, मानव तंत्र में विटामिन क्या नहीं करते हैं? ऑप्शन है हेल्प इन ग्रोथ, हेल्प इन मेटाबॉलिज ड्रग्स, हेल्प इन डाइजेशन, सप्लाई एनर्जी। इनमें से कौन सा काम है जो विटामिन नहीं करते हैं? जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स मुझे इसका आंसर। इनमें से कौन सा काम विटामिन नहीं करते हैं? आशु जी ने बोला है फोर, सप्लाई एनर्जी। कुणाल जी ने थ्री, उदय जी ने बोला फोर, और नागी जी ने, जी बिल्कुल मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है सप्लाई एनर्जी। विटामिन एनर्जी देने का काम नहीं करते हैं, बाकी ये ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, मेटाबॉलाइजिंग ड्रग्स में भी हेल्प करते हैं, और डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, लेकिन ये सप्लाई एनर्जी सप्लाई नहीं करते हैं। तो क्या विटामिन क्या नहीं करते हैं? एनर्जी सप्लाई नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सिस्टम इज कॉल्ड, जल्दी से बता दीजिए, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सिस्टम इज कॉल्ड। ऑप्शन है इवापोरेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन। जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स, उदय जी ने बोला है सी, रिडक्शन। चलिए मैं बताती हूँ आपको इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है डिहाइड्रेशन। रिडक्शन नहीं, डिहाइड्रेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सिस्टम इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन कहलाता है। किसी भी तंत्र से जल का निष्कासीकरण कहलाता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फिशन ऑक्यूर्स मेनली इन, ठीक है, फिशन की प्रोसेस किस में होती है मेनली? ऑप्शन है न्यूक्लियर रिएक्टर, केमिकल रिएक्शन, द हाइड्रोजन बॉम्ब, द सन। उदय जी ने बोला है ए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। कुणाल जी और दिलीप नायक जी ने बोला है हाइड्रोजन बॉम्ब। चलिए मैं बताती हूँ फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। उदय जी बिल्कुल राइट, न्यूक्लियर रिएक्टर्स इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फिशन मेनली किस में होती है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूक्लियर रिएक्टर इसका राइट आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, इनमें से कौन सी डिजीज है जो वायरल इन्फेक्शन के से होती है? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन है हेजा, टाइफाइड, टिटनेस, साधारण जुकाम। इनमें से कौन सा वायरल इन्फेक्शन है? उदय जी ने बोला है एक, हेजा। चलिए और बताइए मुझे। कुणाल जी ने बोला है टिटनेस। ठीक है फ्रेंड्स मैं बताती हूँ, उसका राइट आंसर है कॉमन कोल्ड। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है कॉमन कोल्ड, साधारण जुकाम एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कॉमन कोल्ड वायरल इन्फेक्शन है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बिल्कुल राम सेवक जी, बिल्कुल कॉमन कोल्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पेसिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स, निम्न में से कौन सा मसाला जो पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है? आशु जी ने बोला है फर्स्ट, क्लोव। दिलीप नायक जी और कुणाल जी ने भी वन बोला। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है लौंग। ठीक है, लौंग है जो पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल राम सेवक जी, लौंग इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
जी उदय जी, बिल्कुल ए इसका राइट आंसर था लूंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। टर्पेंटाइन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए, टर्पेंटाइन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए ओक, पाइन, देवदार, कच्चा तेल। जल्दी से बता दीजिए, कुणाल जी ने बोला है 3, रामसेवक जी ने भी बोला है 3। चलिए और बताइए मुझे कोई। यहाँ चलिए ठीक है, मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है पाइन। ठीक है, टर्पेंटाइल का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? पाइन से। याद कर लीजिए आप लोग, टर्पेंटाइल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइन। ठीक है फ्रेंड्स, क्रूड पेट्रोलियम नहीं है, देवदार भी नहीं है, पाइन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन वे ऑफ चेकिंग द एक्सपेंशन ऑफ द थार डेजर्ट वुड बी, थार के मरुस्थल के प्रसार को रोकने का तरीका क्या हो सकता है? जल्दी से बता दीजिए मुझे। दिलीप नायक जी ने बोला है 3, थ्रू एफोरेस्टेशन। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है वृक्षारोपण। जी कुणाल जी, 3 इसका राइट आंसर है। थार के मरुस्थल के प्रसार को रोकने का तरीका क्या हो सकता है? वृक्षारोपण। जी बिल्कुल राम सेवक जी, इसका राइट आंसर है थ्रू एफोरेस्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रू फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द, मैंने आपको बताया था ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं फ्रेंड, जल्दी से बता दीजिए। अ ट्रू फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द, एक सत्य फल का निर्माण होता है कहाँ से होता है? जल्दी से बता दीजिए। आशु जी ने बोला है ओवरी। उदय जी ने भी ओवरी। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है ओवरी। ठीक है, ट्रू फ्रूट वह कहलाते हैं जिनका डेवलपमेंट कहाँ होता है? ओवरी से। और फॉल्स फ्रूट जो अदर पार्ट है ओवरी के आउटसाइड वाले पार्ट, उनसे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अ पर्सन विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, निम्न में से कौन से रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वदाता वर्गीकरण में रखा जाएगा? यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, आशु जी ने बोला है ओ, दिलीप नायक जी ने बोला थी ए। ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, यहाँ यूनिवर्सल डोनर पूछा है दिलीप जी, कुणाल जी और नागेश जी ने बोला। जी बिल्कुल, ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ब्लड ग्रुप कौन सा? ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी बिल्कुल उदय जी, ए उसका राइट आंसर था। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। अ ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस फॉर, ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज किया जाता है? ऑप्शन है कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी, एसी धारा को डीसी में परिवर्तित करता है। जी बिल्कुल एक्सेप्टर है ए बी, और डोनर कौन है? ओ, यूनिवर्सल डोनर ओ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस फॉर, जल्दी से बता दीजिए। दिलीप नायक जी, सरिता वर्मा जी ने बोला है 3, एसी वोल्टेज को बढ़ा या कम कर सकती है। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है 3 वाला, डीसी को नहीं एसी को, एसी वोल्टेज को बढ़ा या कम कर सकती है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दूरी के बाद टीवी कई सिग्नल व्यवस्थित रूप से नहीं मिलते हैं क्योंकि, जल्दी से बताइए मुझे। टेलीविजन सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑर्डिनरली बियॉन्ड अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ड्यू टू, किस कारण से नहीं मिलते हैं? ऑप्शन है वीक एंटीना, कमजोर एंटीना के कारण सिग्नल कमजोर हो जाते हैं, सिग्नल हवा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, या पृथ्वी के घुमावदार होने के कारण। दिलीप नायक जी ने बोला है 4, कर्वेचर ऑफ द अर्थ। चलिए और बताइए मुझे। उदय जी ने भी बोला है डी,
जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर है पृथ्वी के घुमावदार होने के कारण। ठीक है, एक दूरी के बाद टीवी के सिग्नल व्यवस्थित रूप से नहीं मिलते क्योंकि पृथ्वी के घुमावदार होने के कारण। ठीक है, क्या रीजन है? पृथ्वी के घुमावदार होने के कारण। जी बिल्कुल अंकित कुमार जी, फोर्थ इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। अ स्टील बॉल फ्लोट्स ऑन मर्क्यूरी बिकॉज, एक इस्पात की गेंद पारे में तैरती रहती है क्योंकि, क्या रीजन है कि एक स्टील बॉल मर्क्यूरी में फ्लोट करती है? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। ऑप्शन है पारा किसी भी धातु की गेंद को डूबने नहीं देता, दूसरा है पारा स्वयं एक धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, पारे का घनत्व इस्पात से अधिक होता है। चलिए अंकित जी, दिलीप जी और आशु जी ने बोला है थर्ड। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज हायर देन दैट ऑफ स्टील। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी स्टील के डेंसिटी से ज़्यादा होती है, इस वजह से वो उसे डूबने नहीं देता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड दैट डज नॉट फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन विद वाटर इज, ठीक है, वाटर के साथ इनमें से कौन सा सॉल्यूशन नहीं बनाता है, इनमें से कौन सा पदार्थ जल के साथ विलयन नहीं बनाता है? जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, सेंट, शुगर, कास्टिक सोडा। जल्दी से बता दीजिए। दिलीप नायक जी, अंकित जी और नागेश जी ने बोला है सेकंड। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है सेंट। सेंट इसका राइट आंसर है। ठीक है, किसके साथ तो वाटर सॉल्यूशन नहीं बनाता है, तो वो है सेंट के साथ। जी बिल्कुल प्रबल शर्मा जी, सेंट इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो यहीं पे हमारी फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो गई है, अब हम देखेंगे सेकंड शिफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसने भी सब्सक्राइब कर लीजिए वो शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, शेयर करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लिटिल ईथर ऑन द पाम गिव्स अ कूलिंग सेंसेशन बिकॉज, छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है क्योंकि, क्या रीज़न है इसका? जब हाथ पे जब हम थोड़ा सा भी ईथर डालते हैं तो वो ठंडा ठंडा लगता है, क्यों लगता है, किस रीजन के कारण लगता है? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन है एंटर्स द पोर्स ऑफ स्किन, यह त्वचा के छिद्र में प्रवेश कर जाता है। सरिता वर्मा जी ने बोला है सी। कुणाल जी, दिलीप जी, अंकित जी सबने बोला जी बिल्कुल वाष्पीकरण के कारण। इसका राइट आंसर है इवापोरेट्स, वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, छोटी सी मात्रा ईथर की जब हथेली में डालते हैं तो ठंडक प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द ऑर्गन एक्सक्रीट्स वाटर, फैट एंड वेरियस कैटाबॉलिक वेस्ट इज द, ठीक है, कौन सा अंग है जो अतिरिक्त जल, वसा व अन्य अपचायक अपशिष्ट भी बाहर निकालता है? जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स, कौन सा ऑर्गन है वो? ऑप्शन है लंग्स, स्किन, सलाइवरी ग्लैंड्स और स्प्लीन। जल्दी से बताइए, जो वाटर, फैट एंड वेरियस कैटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करता है, कौन सा ऑर्गन है वो? दिलीप नायक जी ने बोला है सेकंड। चलिए, कमलेश जी ने, कुणाल जी ने और राजेंद्र जी ने सेकंड। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है स्किन। ठीक है, स्किन है जो वाटर, फैट और वेरियस कैटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करती है। ठीक है, स्किन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी सरिता वर्मा जी, बीस का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, जल्दी बताइए, एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो होता है? ठीक है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर,
ऑप्शन ए पेंट से हल्का सा छोटा होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है, पर्दे पर बनाया जा सकता है। राजेंद्र राठौर जी और आशु जी ने बोला रियल होता है। चलिए मैं जी वर्चुअल होता है फ्रेंड्स, ठीक है, रियल नहीं होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है, वर्चुअल होता है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल होता है, रियल नहीं होती है वो। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर वर्चुअल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडा, ठीक है, ऑप्शन है एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेसिक इन नेचर, न्यूट्रल, एसिडिक इन नेचर। राजेंद्र राठौर जी ने बोला है 4, एसिडिक इन नेचर। चलिए और बताइए, आशु जी ने भी बोला है 4, दिलीप जी ने 2। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है एसिडिक इन नेचर, ठीक है, एसिडिक होता है नेचर में वो, ड्रिंकिंग सोडा इज एसिडिक इन नेचर। क्या है इसका राइट आंसर? ड्रिंकिंग सोडा इज एसिडिक इन नेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी बिल्कुल सरिता वर्मा जी, कमलेश जी, 4 उसका राइट आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं हम। द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द हेड लैंप्स ऑफ कार इज द, कार के आगे उपस्थित लैंप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो लाइट लगी रहती है उसमें कौन से दर्पण का यूज किया जाता है कार के अंदर। राजेंद्र राठौर जी, कुणाल जी ने बोला है 2, स्पेरिकल कॉन्वेक्स मिरर। चलिए और बताइए कोई मुझे। अमित यादव जी ने बोला है 1, आशु जी ने 2। चलिए फ्रेंड्स मैं बताती हूँ इसका राइट आंसर है 4, पैराबोलिक कॉन्केव मिरर, ठीक है, पैराबोलिक कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है। आप लोग याद कर लीजिए, जिसको भी नहीं पता है वो याद कर लीजिए कि जो कार के हेड लैंप्स होते हैं उसमें कौन से मिरर का यूज किया जाता है, वो किया जाता है पैराबोलिक कॉन्केव मिरर, ठीक है, पैराबोलिक कॉन्केव मिरर का किया जाता है। जी बिल्कुल सरिता वर्मा जी, 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है, कॉन्केव, पैराबोलिक कॉन्केव, जी बिल्कुल हेडलाइट्स में, ठीक है, हेडलाइट्स में पैराबोलिक कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिससे सर्वप्रथम मखंजी है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। गुड आफ्टरनून, चलिए जल्दी से बता दीजिए। सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी वॉज, कौन सा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जी बिल्कुल लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, आप एंड तक देखिए, आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स और शेयर जरूर कीजिएगा। राजेंद्र जी ने बोला है राजेंद्र राठौर जी ने बोला है 4, सरिता जी ने, अमित जी ने। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ। जी बिल्कुल मखन जी, ए इसका राइट आंसर है, यूरिया, ठीक है, कौन सा था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी बिल्कुल अमित यादव जी, यूरिया इसका राइट आंसर है, जो सिंथेसाइज्ड हुआ था लेबोरेटरी में पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है यूरिया। जी कमलेश नायक जी बिल्कुल सही है आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसको भी नहीं याद वो साथ के साथ क्वेश्चन याद करता चले। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, जैव मंडलीय समुदाय का सर्वोत्तम उदाहरण है, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, ठीक है, ऑल द पीपल इन इंडिया, ऑल द व्हील्स ऑन अर्थ, एन ओक ट्री, अ मीडो। अमित यादव जी ने बोला है घास का मैदान। चलिए ठीक है और बताइए। राजेंद्र सिसोदिया कह रहे हैं रुक रहा है, अच्छा बफरिंग हो रही है, ठीक है थोड़ा सा रुकिए, वो बफरिंग ठीक हो जाएगी। राजेंद्र राठौर जी कह रहे हैं 4, जी बिल्कुल सबका
सबका आंसर बिल्कुल सही है जी सरिता वर्मा जी, इसका राइट आंसर है घास का मैदान। ठीक है, इकोलॉजिकल कम्युनिटी का एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? घास का मैदान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। बिल्कुल कमलेश नायक जी, 4 उसका राइट आंसर है। चलिए, द डिजीज बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, किसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है? जल्दी बता दीजिए, द डिजीज बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, कमलेश जी ने बोला है विटामिन बी, कुणाल जी, दिलीप जी ने भी बोला है विटामिन बी जी। बिल्कुल इसका राइट आंसर है विटामिन बी जी। अमित यादव जी, सरिता वर्मा जी, विटामिन बी इसका राइट आंसर है। बेरी बेरी डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से हो जाती है? विटामिन बी की कमी से हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूनाइन द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट, प्लांट के किस पार्ट से क्यूनाइन ऑब्टेन होता है फ्रेंड्स? ठीक है, किस पार्ट भाग से प्राप्त होता है? जल्दी बता दीजिए, क्यूनिन। आशु जी ने बोला है 4, दिलीप नायक जी ने बोला है 2 जी। बिल्कुल दिलीप नायक जी, इसका राइट आंसर है बार्क, छाल से। ठीक है जी, बिल्कुल सभी सही है, छाल इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्यूनिन किससे मलेरिया में उपयोग होने वाले सामान्य औषधि और किससे प्राप्त होता है, पेड़ के किस भाग से? तो छाल से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए आपको हर पेपर में देखने को मिले होंगे कि कौन से पार्ट से प्लांट के कौन से पार्ट से ये प्राप्त होता है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन्डिस रिजल्ट्स फ्रॉम माल फंक्शनिंग ऑफ द पीलिया के किस अंग का कार्य, पीलिया से किस अंग का कार्य प्रभावित होता है? ठीक है, पीलिया में किस अंग का कार्य प्रभावित होता है, जल्दी से बता दीजिए। उदय जी ने बोला है लंग्स। चलिए और बताइए कोई मुझे। आशु जी, कुणाल जी और दिलीप जी ने बोला है 4 जी। बिल्कुल इसका राइट आंसर है लीवर। ठीक है, पीलिया में क्या होता है, किस अंग का कार्य प्रभावित होता है, तो वो होता है लीवर का। ठीक है, लीवर इसका राइट आंसर है बिल्कुल जी। नहीं, लीवर इसका राइट आंसर है। ठीक है, किसका जॉन्डिस में किस माल फंक्शनिंग हो जाती है, किसकी? लीवर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरी क्या है? द प्रेरी इज, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए मुझे क्या है ये। जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स, प्रेरी किसे कहा जाता है? A grassland without trees, a local community in Australia, name of a king, an area in South America on the site of river Amazon. दिलीप नायक जी ने बोला है grassland without tree. चलिए और बताइए कोई मुझे। कुणाल जी, अमित जी और कमलेश जी ने सपने कहा है 1st जी। बिल्कुल इसका राइट आंसर है a grassland without trees. ठीक है जी उदय जी, ए इसका राइट आंसर है। प्रेरी क्या है? a grassland without tree. ठीक है फ्रेंड, जिसको भी नहीं याद वो याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। राजेंद्र राठौर जी, उसका राइट आंसर था 1st वाला, ग्रासलैंड विदाउट ट्रीज। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। वुलन कीप्स अस वार्म इन विंटर बिकॉज दे, ऊनी कपड़े शीत ऋतु में हमको गर्म रखते हैं क्योंकि। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है फ्रेंड्स, जल्दी से मुझे इसका रीजन बता दीजिए, आप सभी को पता होगा। कमलेश जी, उदय जी, दिलीप जी ने कहा है 3rd जी। बिल्कुल इसका राइट आंसर है डू नॉट अलाउ आर बॉडी हीट टू एस्केप, हमारी शरीर की जो गर्मी होती है वुलन क्लॉथ उनको बाहर नहीं निकलने देते हैं। ठीक है, बाहर नहीं जाने देते हैं, इस वजह से हमें उसमें ठंड नहीं लगती है। ठीक है, ए 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the pH of hydrochloric acid? जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स, जल्दी से बता दीजिए, what is the pH of hydrochloric acid? आ
आपको नहीं पता आप नो लिख के भेज सकते। राजेंद्र राठौर जी ने 3, अमित यादव जी ने भी बोला है सी जी। बिल्कुल इसका राइट आंसर है लेस देन 7। कुणाल जी, उदय जी ने भी सी बोला जी। बिल्कुल आप सही हैं सब। इसका राइट आंसर है पीएच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज लेस देन 7 जी। कमलेश नायक जी, लेस देन 7। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चमगादड़ अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकती है क्योंकि, ठीक है, बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज, क्या कारण है कि चमगादड़ अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकती है जी। बिल्कुल 8-7 से कम ही होता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया था। अगर हमें नहीं पता हम तो भी थोड़ा सा पढ़ के टिक लगा सकते कि एसिड का मान 7 से कम ही होगा तो वही उसका आंसर होगा, ठीक है। चमगादड़ अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकती है, कुणाल जी, अमित जी, दिलीप जी ने कहा है फर्स्ट जी। बिल्कुल इसका राइट आंसर है पहला वाला, दे आर गाइडेड बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस बाय देम, ठीक है। जो वो खुद अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती है वो उससे रास्ता देखती है, ठीक है जी। बिल्कुल ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच इज नॉट इंक्लूडेड इन स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं है जी। बिल्कुल अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से था। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं, जल्दी से बता दीजिए। निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है, दिलीप नायक जी ने बोला है कैडमियम। चलिए और बताइए मुझे। सरिता वर्मा जी, कमलेश जी, राजेंद्र जी, उदय जी, इन सब ने बोला है ए। बिल्कुल राइट आंसर है कैडमियम जी। बिल्कुल अमित यादव जी, कैडमियम इसका राइट आंसर है। कैडमियम संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स। देखिए हर एक पेपर में ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट से क्वेश्चन पूछा है, मतलब जैसे क्वेश्चन ये देते जाते हैं वैसे कंटिन्यू रखते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। इसलिए एग्जाम्स के वक्त में रिव्यूज पे बहुत ध्यान दिया करिए फ्रेंड्स कि किस तरीके के पेपर आ रहे होते हैं। राजेंद्र राठौर जी ने बोला है 3 कोकोनट, दिलीप नायक जी ने बोला है 2 एप्पल, उदय जी ने भी जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है कोकोनट। और इनमें से कौन एक ट्रू फ्रूट है तो वो है कोकोनट, एप्पल फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। सरिता वर्मा जी और अमित यादव जी ने भी बोला है कोकोनट, बिल्कुल सही। इनमें से कौन सा ट्रू फ्रूट है तो कोकोनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड, इनमें से कौन सा इंसेक्टिसाइड की तरह यूज नहीं होता है, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। आप ऑप्शन से जल्दी से आंसर बता देंगे मुझे बता दीजिए। इंसेक्टिसाइड की तरह यूज नहीं होता है, इंसेक्टिसाइड में उपयोग नहीं किया जा सकता है उदय जी, दिलीप जी, दिलीप जी ने बोला 2, बाकी उदय जी, सरिता जी ने बोला है 4, अमित यादव जी ने भी बोला 2 जी। बिल्कुल इसका राइट आंसर है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को हम कीटनाशक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। बाकी गैमेक्सीन, डीडीटी और मेलाथियोन को कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ नहीं किया जाता है जी। हाँ प्लीज़ एक बार ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है, और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ा करिए कि नहीं पूछा है या हाँ पूछा है, कि उपयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत बार हम जल्दी जल्दी में ऐसी गलतियां कर देते हैं तो ध्यान रखिए, आते हुए हम क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। व्हेन अ शिप एंटर्स अ सी फ्रॉम अ रिवर, ठीक है, जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है। व्हेन अ शिप एंटर्स अ सी फ्रॉम अ रिवर, क्या रिवर क्या होगा तो कि थोड़ा ऊपर आ जाता है, यह ऊपर उठेगा या डूबेगा किस पदार्थ का बना है इस बात पर निर्भर करेगा, वह थोड़ा डूब जाता है। कमलेश जी, दिलीप नायक जी ने बोला है फर्स्ट,
अमित जी ने बोला ऊपर उठ जाता है, उदय जी ने ए और राजेंद्र जी ने बोला है थ्री जी। बिल्कुल इसका राइट आंसर है वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है जी, बिल्कुल थोड़ा ऊपर आ जाता है। इसका राइट आंसर है व्हेन अ शिप एंटर्स अ सी फ्रॉम अ रिवर इट राइजेस अ लिटिल, थोड़ा ऊपर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको नहीं पता वो याद कर लीजिए ये रीजन, ठीक है ऊपर आ जाता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरबती सोना क्या दर्शाता है? ठीक है शरबती सोना क्या है? तो ऑप्शन है एक फल का नाम है, एक गेहूं की प्रजाति है, एक धान की प्रजाति है, मक्के की संकरित प्रजाति का नाम है। जल्दी से बता दीजिए क्या है शरबती सोना। कुणाल जी ने बोला है सेकंड। चलिए और बताइए, दिलीप जी ने फोर, उदय जी ने सेकंड, राजेंद्र राठौर जी ने सेकंड जी। बिल्कुल इसका राइट आंसर है अ वैरायटी ऑफ व्हीट, एक गेहूं की प्रजाति है। ठीक है शरबती सोना एक गेहूं की प्रजाति है। बिल्कुल अमित यादव जी इसका राइट आंसर है, एक गेहूं की प्रजाति। ठीक है जिसको भी नहीं याद वो याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। शरबती सोना क्या दर्शाता है? एक गेहूं की प्रजाति जी। सरिता वर्मा जी, आशु जी सेकेंड इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड, ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे बना होता है? हाइड्रोजन और, हाइड्रोजन और किसके मिलने पर बनता है? जल्दी बता दीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम से ही हमें पता चल रहा है। अमित यादव जी ने बोला है क्लोरीन, ठीक है और राजेंद्र राठौर जी, उदय ने सेकंड, कुणाल जी ने भी सेकंड। चलिए फ्रेंड्स मैं बताती हूँ इसका राइट आंसर, बिल्कुल क्लोरीन है। ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें नाम से ही पता चल रहा है, क्लोरिक यानी क्लोरीन, ठीक है हाइड्रोजन क्लोरीन के मिलने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से। चलिए द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज, ठीक है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? चलिए डोनर हमने पढ़ लिया था, हमने रिसिपिएंट भी पूछ लिया है, जल्दी बता दीजिए फ्रेंड। सरिता वर्मा जी ए लिखा है, बी लिखा है ना क्या? चलिए ठीक है, दिलीप नायक जी ने थर्ड बोला है, कमलीत जी, उदय जी, जी बिल्कुल इसका ए बी राइट आंसर है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया ये होता है यूनिवर्सल डोनर और ये होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी रिसिपिएंट। ठीक है जी बिल्कुल सरिता वर्मा जी ए बी, अच्छा ए बी लिखे थे, हाँ जी बिल्कुल ए बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो आइसोटोप्स आर, क्या होते हैं रेडियो आइसोटोप्स? जल्दी से बता दीजिए मुझे। ऑप्शन है आइसोटोप्स यूज्ड इन रेडियो सेट्स, आइसोटोप्स दैट आर रेडियो एक्टिव, नन ऑफ दिस, सम न्यूक्लिक विच इमोट रेडियो वेव्स। जल्दी से बता दीजिए रेडियो आइसोटोप्स क्या होता है? उदय जी ने बोला है बी, अमित जी ने भी बी, राजीव जी ने वन, कुणाल जी ने बोला है सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स मैं बताती हूँ इसका राइट आंसर है आइसोटोप्स दैट आर रेडियो एक्टिव। ठीक है जो आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होते हैं उन्हें रेडियो आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है तो रेडियो आइसोटोप्स आर आइसोटोप्स दैट आर रेडियो एक्टिव, ठीक है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द चीफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ गोबर गैसेस, गोबर गैस का मुख्य अवयव बताइए। ठीक है जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स। द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस, दिलीप नायक जी, कुणाल जी सेकंड, अमित यादव जी मिथेन जी। बिल्कुल इसका राइट आंसर है मिथेन, ठीक है मिथेन इसका राइट आंसर है जी। बिल्कुल गोबर गैस का मुख्य अवयव बताइए क्या होता है वो, तो वो होता है मीथेन। ठीक है फ्रेंड जिसको भी नहीं याद वो याद कर लीजिएगा, मीथेन होता है गोबर गैस का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
The device used for converting mechanical energy into electrical energy. ठीक है फ्रेंड, जल्दी से बताइए मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। राजेंद्र राठौर जी ने कहा सेकंड डायनेमो। चलिए और बताइए मुझे, कुणाल जी, दिलीप जी और अमित यादव जी, डायनेमो जी, बिल्कुल। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? डायनेमो का। ठीक है, डायनेमो का यूज किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वो अगर आप मुझे बता सकते हैं तो। ऑप्शंस यही है आपके पास जी। बिल्कुल, इसका राइट आंसर है सेकेंड, डायनेमो, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, डायनेमो इसका राइट आंसर है। अब मुझे आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी चेंज करने के लिए, दिलीप नायक जी ने, जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक मोटर यूज की जाती है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो था मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, जिसमें आपने डायनेमो आंसर दिया है। मैंने एक एडिशनल पूछा है कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करने के लिए कौन सी डिवाइस, तो वो यूज होती है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, डायनेमो यूज होता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में यूज करने के लिए, और इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में यूज करने के लिए। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूज तो नहीं है इस क्वेश्चन में? चलिए ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं है ना, आप इलेक्ट्रिक मोटर से ऐसे याद रखती है। देखिए, इसका ई और एम है फर्स्ट लेटर, तो इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल। ठीक है, आप फर्स्ट लेटर से भी याद रख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक मोटर का इलेक्ट्रिक और ये मोटर। ठीक है, ऐसे आप थोड़ा सा ट्रिक से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहीं पे हमारा पार्ट खत्म होता है फ्रेंड्स। ठीक है, हमने साइंस का आज फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, इसके दो पार्ट और बचे हैं जो दो दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने मुझे हिंदी के लिए कहा था, तो हम हिंदी की क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है, अगर कोई सजेशन देना है तो वो दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स यहीं पे ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप लोगों को कुछ कहना है, कोई सजेशन देना है या कोई टॉपिक के लिए बोलना है तो आप बोल सकते हैं। बिल्कुल, नहीं तो फिर हम जी बिल्कुल एमपीजी के आज ही, मैं अभी, अब मैंने ये वीडियो बना लिया, आप ये ख़त्म करके, ये पार्ट ख़त्म करके अभी मैं रिकॉर्ड करने जा ही रही हूँ एमपीजी के। ठीक है, कल तक हो सकता है आपको वीडियो मिल जाए, ऐसे मिल ही जाएंगे, उसको एडिट वगैरह भी करना पड़ेगा तो मिल जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश पूरी करूंगी कि कल 4 से 5 बजे तक एमपीजीके के टॉपिक अपलोड हो जाएं। ठीक है, अभी मैं जा ही रही हूँ उसको रिकॉर्ड करने, और उसकी टेस्ट सीरीज़ के लिए भी क्वेश्चन मुझे इकट्ठा करने हैं, तो वो काम भी चल रहा है जी। बिल्कुल आएगी सरिता वर्मा जी, वैकेंसी आएगी, बिल्कुल आएगी एसआई के लिए, तो वो न्यूज़पेपर में नोटिस भी, न्यूज़ वगैरह भी लिख ली थी, पर वैकेंसीज जल्दी आएंगी। बिल्कुल आप सोच के रहिए, इलेक्शन है 2019 में, तो बिल्कुल गवर्नमेंट चाहेगी कि युद्ध से गुस्सा ना हो, तो वैकेंसी ज़रूर लिख लेगी। आप लोग बस अपनी तैयारी बिल्कुल एकदम इतनी रखिए कि जैसे मैं हर बार बोला है कि कल पेपर है तो कल ही आप लोग क्लियर कर लें। साइंस में बायो की क्लास, ठीक है, पहले हम एमपीजी के पढ़ लेंगे। ठीक है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जैसे हिंदी भी पढ़ना है, तो ये सब करके साइंस की क्लास, बायो, देखिए अब मैं सारी क्लासेस तो ले नहीं सकती हूँ, हमारे चैनल पे अर्जुन सर और करण सर भी पढ़ाते हैं, तो मैं उनसे कह दूंगी तो वो ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अब एक साथ सारी क्लासेस तो मैं ले नहीं पाऊंगी। ठीक है, हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं एमपीजी के वगैरह ख़त्म करने के बाद ले लूँ ये क्लासेस, लेकिन अगर आपको अभी चाहिए तो मैं सर से बोल दूँगी, वो क्लासेस ले लेंगे आपके लिए। ऐसे भी मेरा बायो शायद इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे पीसीएम मैथ्स स्ट्रीम से थी मैं, फिर भी आप लोग बायो का कहेंगे तो मैं करूँगी आप लोगों के लिए।
लगभग सभी कंप्लीट हैं, तो फिर तो इस बार जॉब होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट में हमें नहीं रहना है, ठीक है। रिवाइज करते रहना है, नई नई चीज़ें पढ़ती रहनी है, मैथ्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते रहने हैं, बिल्कुल अपनी तैयारी रोज़ ऐसा रोज़ रखना है। बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारा सब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और लगभग हुआ है तो पूरा कंप्लीट करिए फ्रेंड्स, ठीक है। कि जॉब आते ही चाहिए, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जॉब आई है और हम ले नहीं पाए हैं, ठीक है। तो जॉब आते ही हमें चाहिए, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि चलो हम इतने नंबर ले आएंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको आना है मेरिट में, एकदम टॉप मारना है जी, बिल्कुल डेली करनी भी है, ठीक है, बिल्कुल। और टेस्ट भी लगाने हैं ताकि हमें हमारी तैयारी पता चले। इसीलिए मैं जब MPGK का वीडियो अपलोड करूँगी, मैंने उसकी टेस्ट सीरीज की बात कही है, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जिसको MPGK पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, फिर भी एक बार मेरा वीडियो देखिएगा, भली फॉरवर्ड कर करके देखिएगा कि कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी हो, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा वो तो पूरी देखिएगा ही, और जिसने जैसे उसको सब पढ़ रखा है तो एक बार फॉरवर्ड करके देखिएगा, पर देखिएगा जी बिल्कुल। MPGK टॉपिक डालने के बाद उसके नेक्स्ट डे नाइट में हम उसकी टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जिसके क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो सारा काम चल रहा है, कल आपको वीडियो मिल जाएगी और परसों से हम स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल सब स्टडी बिल्कुल रेडी रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए वैकेंसी आएगी भी तो सीट्स इतनी नहीं आने वाली है, ठीक है, और सीट्स कम है, यानी कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी बिल्कुल एकदम सही रखिए, इतनी रखिए कि बस बिल्कुल 200 नंबर का पेपर है, 180 190 तो आप ही के आने, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट अपना परफेक्ट रखिए, हर एक सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि किसी एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करे जा रहे हैं आप लोग, हर एक सब्जेक्ट जो भी कमज़ोर है उसको अच्छा करिए। अभी आपके पास टाइम है, बहुत सारा टाइम है, इसलिए तैयारी अपनी एकदम चालू रखिए। चलिए मिलते हैं रात को 9:15 पर, ठीक है, कांस्टेबल की सीरीज़ के साथ, कांस्टेबल के पार्ट के साथ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, मैं जाती हूँ MPGK के वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, और आप जाइए पढ़ाई कीजिए। बाय एंड थैंक यू।